नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू वाला में। तो आज हम ऐसी एक पंजाब की परंपरागत ट्रेडिशनल रेसिपी बनाएंगे, जो कि हमारे गांवों में, पंजाब के गांवों में, जब हम छोटे थे तो बैसाखी पर तो विशेष करके तैयार की जाती थी और वैसे भी बच्चों को बनाकर दी जाती थी। तो आज लगभग ये लुप्त होती जा रही है, तो इसी वजह से मैं इसे डालना प्रेफर किया है अपने चैनल पे कि जो हमारी परंपरागत चीजें हैं वो लुप्त ना हो। ये बहुत ही पौष्टिक है, बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्टी भी बहुत बनती है। तो आए बनाएं हम, फाइबर रिच है। तो किस प्रकार से बनाते हैं, गेहूं से, जिसे पंजाब में कणक बोला जाता है, ये मैंने एक कप लेकर इसे अच्छी तरह धोकर रात को भिगो कर रख दिया था। अगर आपको सुबह या दोपहर को बनाना है तो आप रात को भिगो दें, अगर शाम को बनाना है तो फिर भी एक दिन रात को भिगोया है तो कोई बात नहीं, अच्छी तरह जो गेहूं है वो फूल जाएगा। इस प्रकार से धोकर अच्छी तरह मैंने पानी में भिगो दिया था। अब इससे डबल पानी लेना है। अगर पानी थोड़ा बहुत आप ज्यादा भी ले लेंगे तो कोई मतलब इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर कम रह जाएगा तो हमारा कुकर वगैरह जल सकता है। क्योंकि पहले तो जब हम छोटे थे तो हमारे नानी, मेरे नानी जी की भी ये रेसिपी है, तो हमारे वहां बैसाखी का मेला लगता तो सभी लोग गांव के वहां लेकर जाते थे। वहां एक जगह थी जहाँ बैसाखी का मेला लगता, धार्मिक स्थान था, तो उसी उस पर इसी प्रकार का प्रसाद दिया जाता था। क्योंकि बैसाखी में हमारे पंजाब में जो नया गेहूं होता है उसे पहले दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है, फिर घर में प्रयोग किया जाता है। तो सब लोग जो नया गेहूं आता है उसे उससे तैयार करके वहां बांटने के लिए ले जाते थे। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो जितना आपने गेहूं लेना है उससे आपको डबल ट्रिपल पानी ले सकते हैं। अगर ज्यादा होगा तो कोई नुकसान नहीं है, हम तेज आंच पे उसे सका लेंगे। डबल तो आपने कम से कम लेना ही है। तो क्योंकि पुराने जमाने में जब हमारे दादी नानी बनाते थे वो इस प्रकार के बर्तन मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, जो भर्त का पतीला बोलते हैं, बहुत हैवी होता है और मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती थी, तो उसमें तो पानी मतलब फिर डाल सकते थे हम। तो इस प्रकार से वो खुला पानी डालते थे अंदाजे से। आजकल इतना ईंधन भी नहीं है शहरों में, जब मतलब इतने हैवी हैवी बर्तन भी नहीं है, दूसरा गैस पे बनाया जाता है, जो कि महंगाई की दृष्टि से भी हम लोग ईंधन वगैरह देखते हैं। तो इसमें मैंने डबल से थोड़ा ज्यादा ही पानी रखा है। तो अब जो भिगोया था, जिस पानी में हमने गेहूं को, उसी के साथ इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हम पहले 4-5 सीटी आने तक बॉईल करेंगे, फिर सिम आंच पे इसे पकाएंगे। तो बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हमें पकाना होता है। मैं ये इलायची डाल रही हूँ बीच में ताकि इसकी स्मेल आ जाए। तो बाकी का सामान क्या कुछ चाहिए हमें इस रेसिपी में मैं बाद में बताती हूँ, जो मीठी रेसिपी तैयार होती है। तो पहले हमें इसे सीटी आने देते हैं, बाकी का सामान भी मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैं मीठी सिखाऊंगी, फिर इसकी नमकीन सिखाऊंगी कि किस प्रकार से ये नमकीन रेसिपी तैयार होती है। दोनों ही प्रकार की मैं अपने चैनल पर वीडियोस पब्लिश करूंगी। तो अब हमें इसे बिसल आने तक, 3-4 बिसल आने तक कुकर को आंच पर रखते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। देखिए इसमें हमारी 4-5 बिसल आ गई है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, नहीं तो हम कंटिन्यूसली ही छोटे गैस पर इसे सिम पे पकाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसे खोलूंगी कि कितनी पक गई है। मैं इसका सिम निकाल देती हूँ, वैसे निकालना नहीं होता आपको, सिम आंच पे रखना होता है 10-15 मिनट, यानी कि जितना के ये सॉफ्ट होने तक। चलो हम भी नहीं निकालते, इसे खुद ही ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे देखें कि कितना हमारा पक गया है गेहूं, कितना और चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसे सिम आंच पर रख देंगे। इतने जो ठंडा होता है, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं, अगर आपने एक कप गेहूं लिया है, यानी कि गेहूं एक कप लेकर भिगोया है, तो उसी आधी मात्रा में आपको ये शक्कर होती है, ये जहां से गुड़ मिलता है वहां ग्रोसरी शॉप पे मिल जाती है, या तो आप शक्कर ले लीजिए या गुड़ ले लीजिए। ये बिना कलर वाली शक्कर है, आपने दोनों तरह की नहीं प्रयोग करना, गुड़ और शक्कर दोनों में से एक चीज का प्रयोग करना है। अब मैं आप दिखाती हूँ, ये कलर वाली शक्कर है वो ऑर्गेनिक है, ये दूसरी है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो या तो आप गुड़ लीजिए या शक्कर लीजिए, ठीक।
ठीक है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बोला था कि हमारे पंजाब में इसे शक्कर बोलते हैं, पता नहीं आपके दो क्षेत्रों में से क्या बोला जाता है। जहां पे गुड़ तैयार होता है वहीं पे कुल्हाड़ी पे जो शक्कर तैयार होती है, ठीक है जी। तो आपने जितना गेहूं लेना है उससे आधी मात्रा में ये शक्कर या गुड़ लेना है। अगर गुड़ ले रहे हैं तो उसे छोटा छोटा तोड़ लीजिए, मतलब कि किसी कलबट्टे में या किसी पॉलिथीन में रखकर, मतलब बेलन से किसी हथौड़ी से उसे छोटे छोटे तोड़ लिया। अगर शक्कर ले ले हैं तो एज इट इज ले ले। मैं शक्कर ले रही हूँ, आधी मात्रा में लेनी है। अगर 1 कप आपने गेहूं लिया तो आधा कप लेनी है, अगर 2 कप लिया तो 1 कप लेनी है। उसके साथ हमें क्या चाहिए, ये खरबूजे के बीज हैं, इलायची है, इसका हम पाउडर बना लेंगे, ये किशमिश है, तो इस प्रकार से देसी घी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मेरा देसी घी रखा है, तो पंजाब में इसका नाम तो बताया ही नहीं, हमारे पंजाब में तो इसे बोलते हैं बक्कलियां। कनक, गेहूं को कनक बोला जाता है और इसे बोलते हैं कनक की बक्कलियां। ये गुरुद्वारों में, मंदिरों में तब बैसाखी लगती है तब इसका प्रसाद लेकर जाते हैं, जिस भी जगह पे बैसाखी लगती है कि नया गेहूं तैयार होता है। और घर में भी बच्चों के भूख लगने पर ये बहुत ही पौष्टिक रहता है, क्योंकि ये छिलके के समेत पकता है, इसका पिसाई नहीं होता, कुछ वेस्ट नहीं जाता, तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं अब देखती हूँ कि आगे क्या करूंगी, इसे ठंडा होने देते हैं, फिर पकाएंगे और इसे। देखिए जी, गेहूं हमारा मैंने मतलब कुकर खोलकर देखा है, काफी हद तक 80% तक ये सॉफ्ट हो गया है। तो हमने, हाँ मैं एक बात बता दूं, मैंने पानी आपको इसलिए ज्यादा बोला था कि कहीं आपका जल ना जाए। अगर आप 1.5 गुना भी पानी डाल लेंगे, अगर आपका गेहूं अच्छी क्वालिटी का है तो वो बड़ी आसानी से पक जाएगा। अब हम थोड़ा इसे और सॉफ्ट करेंगे, तो आप इसे ढककर भी पका सकते हैं। अगर आपका पानी कम है तो आप इसे ढक्कन बंद करके भी सिम आंच पे पका लीजिए, बिल्कुल गलने तक। वैसे तो काफी हो गया है, परंतु हमें इसे कच्चा नहीं रखना होता, इससे पेट दर्द होने लगता है अगर कच्चा रहे। बहुत हाथ से छूने पर जो इसी प्रकार से गल रहा है, देखिए बड़ी आसानी से। थोड़ा मैं इसे और पकाऊंगी और पानी भी इसी पानी में ये पक जाएगा, तो आपका 1.5 गुना पानी में भी अच्छी तरह ये पककर तैयार हो जाएगा। पहले 4-5 विसल दला लीजिए, फिर सिम आंच पर पका लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। देखिए, जो हमने गेहूं बॉईल करने के लिए रखा था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, छूने पर आप देख सकते हैं, ऐसे छूकर देख लिए हाथ से, मतलब के ये टूट रहा है। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। और अब क्या करना है, जो हमने इलायची रखी थी उसका मैंने पाउडर बना लिया है। अब मैंने बताया था कि आपको लेना है देसी घी, कढ़ाई को हमने सिम आंच पर रख दिया है, तो इसमें हमें लगेगा देसी घी। ये आप अपनी सुविधा के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक जितना चाहे डाल सकते हैं। कई लोग तो इसमें कलछी कलछी भी डाल लेते हैं, तो मेरे को इतना तो पसंद नहीं है कि मैं इतना डालूं इसमें। तो अब हमने जो इलायची का पाउडर बनाया है उसे इस देसी घी में हम तड़का लगा देंगे, शौंक लगा देंगे, तो ये मीठा गेहूं बनता है जो बहुत ही टेस्टी होता है। हमारे पंजाब में ये परंपरागत रेसिपी बहुत, हमारी दादी नानी बनाते थे, अब ये लगभग लुप्त हो गई है, गांवों में भी इसका चलन नहीं रहा है। तो क्यों ना हम अपने जो परंपरागत चीजें हैं उनको मुड़ से फिर से जीवित कर रखें। तो इसी वजह से ये पौष्टिक भी थी, इससे क्या नुकसान होगा, इससे तो जो हमारी बड़ी आंत है उसकी सफाई ही होगी। तो जो पिज्जा बर्गर वगैरह आजकल हम विदेशी फूड खाते हैं वो बहुत नुकसानदायक होता है, ये उल्टा फायदा करता है। तो अब ये हमारा इलायची का जो पाउडर है वो, मतलब कि इसमें शौक लग गया है। अब गैस को बिल्कुल आपको धीमी आंच पे रखना है। हाँ एक बात, अगर आपने गुड़ मिलाना है तो आप इस स्टेज पे मिला दीजिए, ताकि गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए। मैं गुड़ नहीं मिला रही, और गुड़ को आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटा छोटा काट कर ही इसमें ऐड करना है, ऐसे नहीं करना होता, बड़ा बड़ा चंक्स नहीं मिलाने होते, तो वो उसके मतलब मेल्ट नहीं हो जाएगा, हो सकेगा। जो थोड़ा बहुत गेहूं में पानी मतलब गीला गीला से रहता है उसी के साथ मिलकर ये पानी छोड़ देता है। तो मैंने तो आपको दिखाने के लिए थोड़ी मात्रा में ही गेहूं लिया था, आप जब एक बार टेस्ट कर लेंगे आपको अच्छा लगेगा, तो आप ज्यादा ज्यादा मात्रा में भी ये बनाकर प्रयोग में ला सकते हैं। तो घी के साथ इसे भी हम इस प्रकार से कर देंगे, इसी के साथ किशमिश,
और हम ला देंगे खरबूजे के बीज मगज, और इसी के साथ ऐड करेंगे हम शक्कर। आधी मात्रा में लेनी होती है, जितना गेहूं है उसी आधी मात्रा में आपको शक्कर लेनी होती है। और इसी के साथ हम इसे हम बंद कर देंगे, और जहां आप चाहो तो 1-2 मिनट इसे ढक कर, ताकि जो सारे फ्लेवर है इस प्रकार से ढक कर इसे रख दीजिए, और 2 मिनट के बाद गैस का बर्नर बंद कीजिए और सर्व कीजिए। इस प्रकार से ढकना, तो मैं कुकर का ढक्कन ही प्रयोग में ले रही हूँ, मैं लेकर नहीं मतलब रखा था ढक्कन, ताकि इलायची का और सारा मीठा है जो इसके में ऐड हो जाए। तो हमारे तो वहां गुड़ मलाते थे, मैंने शक्कर प्रयोग में ले ली कि अभी इतनी मतलब ठंड भी नहीं पड़ने लगी है, सारा मीठा इसमें अच्छी तरह से ऐड हो गया है, जो किशमिश है वो फूल गए हैं देखिए। तो अब गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। तो हमारी पंजाब की रेसिपी है जी, जरूर ट्राई कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट डालकर बताएं कि आपको कैसी लगी। बस हो गई जी तैयार। तो अब कैसे सर्व करना है इसे, वो करते हैं हम लोग इसे सर्व। कोई भी आप मतलब के ले लीजिए बाउल, जरूर बनाइए, खाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि मेरी बनाई हुई रेसिपीज आपको कैसी लगती है। कमेंट डालना मत भूलिए, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, जैसी भी लगे मेरे को कमेंट जरूर करके बताया करें कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है। गुड़ का वो चाशनी सी बन जाती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। कई लोग को जब गेहूं को बालते हैं ना उस वक्त भी उसमें गुड़ डाल देते हैं, जैसे हम गुड़ वाले चावल बनाते हैं ना, तो वो उस प्रकार से भी बन जाती है, अपनी अपनी पसंद है। मैं बाद में ऐड करती हूँ बॉईल करने के बाद, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप उस वक्त भी डबल पानी डालकर गेहूं के साथ गुड़ में, खुले बनाने तो डबल पानी डाल दीजिए और उसमें गुड़ डाल दीजिए, फिर आप खुला पकाइए, कुकर में मत पकाइएगा। तो लीजिए हमारी पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी, गेहूं की कनक की बकलियां बोलते हैं। तो मीठा गेहूं बनकर तैयार है, तो बनाइए खाइए, अपने जो एक्सपीरियंस है अनुभव है मेरे साथ शेयर कीजिए। जी बन बनकर बिल्कुल रेडी है, आप भी इस प्रकार से रेसिपी को ट्राई कीजिए, तो और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। पानी बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।